रहे हो, कंजुगेशन से होता क्या है, किसी भी कंपाउंड के, किसी भी सिस्टम के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं। जब दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं तो उसी दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर के बनने को आप आगे केमिस्ट्री में बोलेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस नाम आ जाएगा। तो उसी से बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। उसी से हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो वहां प्राइम आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहां रियल का कंजुगेशन का अप्लीकेशन वही पढ़ेंगे रेजोनेंस के साथ। यहां तो बस केवल हम लोग कंजुगेशन का मतलब समझ रहे थे, ठीक है। और कंजुगेशन में जो स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हें आप यहां नाम दे सकते हैं कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, किसी कंपाउंड में जितनी कंजुगेट पोजीशंस होती हैं उससे एक ज्यादा बनता है उसका स्ट्रक्चर। जैसे आपसे आगे कहा जाए नंबर ऑफ कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स या नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब एक कंपाउंड में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो उससे जितने कंजुगेट पोजीशंस होंगे उससे एक ज्यादा बनेगा।